प्रणाम बाबा। हम जिसे गुरु सत्ता कहते हैं वो एक ही होती है या अलग अलग गुरुओं की अलग अलग? यह सवाल महत्वपूर्ण है। हमारा होना सात अलग अलग आयामों में बांटा जा सकता है। उसको समझ लें तो फिर इस सवाल का जवाब भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे बाहर हमारा स्थूल शरीर है, जिसको हम फिजिकल बॉडी कहते हैं। उपनिषद करी से इसको अन्नमय कोष कहते हैं, भोजन से निर्मित, अन्न से निर्मित। इसके भीतर और सूक्ष्म, जिसको भाव शरीर कहा जाता है, पृथ्वी बॉडी। आज की आधुनिक भाषा में हम उसको केमिकल बॉडी कह सकते हैं। अगर फिजिकल बॉडी फिजिकल ऑर्गन्स की बनी है तो भाव शरीर केमिकल्स, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, अत्यंत सूक्ष्म रासायनिक पदार्थों से बना है। हमारी सारी भावनाएं, चाहे वो प्रेम हो, चाहे क्रोध, चाहे हिंसा, चाहे करुणा, चाहे दया क्षमा, चाहे वैमनस्य ईर्ष्या जलन, हमारी सारी भावनाएं इन रासायनिक पदार्थों के द्वारा संचालित होती हैं। कोई खास केमिकल है उसकी वजह से हमको वैसी भाव की प्रतीति होती है। इसको हम भाव शरीर भी कह सकते हैं और फिजिकल के अगेंस्ट में इसको हम केमिकल कह सकते हैं। फिजिकल मतलब बहुत दृश्य, बाहर से पता चलता था। केमिकल जरा सूक्ष्म हो गया। अब इससे भी और सूक्ष्म, जिसको सूक्ष्म शरीर या एस्ट्रल बॉडी कह सकते हैं, आधुनिक भाषा में हम उसको इलेक्ट्रिकल बॉडी भी कह सकते हैं। उपनिषद के ऋषि उसको प्राण शरीर कहते हैं। वो फिजिकल और केमिकल नहीं है, बल्कि ऊर्जा शरीर है, एनर्जी बॉडी, वाइटल फोर्स, लाइफ एनर्जी, भांति भांति के नाम दिए जाते हैं। वो सिर्फ विद्युत तरंगे हैं। उसके और पीछे चौथा मनस शरीर है। अब और ज्यादा बारीक और सूक्ष्म में हम पहुंच गए। वह विचारों से निर्मित है, विश्वासों से निर्मित है, धारणाओं से निर्मित है। अब वहां ऊर्जा भी नहीं, विद्युत भी नहीं है, और भी सूक्ष्म चीज है। इन चार को समझना बहुत आसान है। उस चौथे को हम मेंटल बॉडी कह लें, मनस शरीर कह लें। इन चार को हम वैज्ञानिक शब्दावली में आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद जो पांचवा छठवा सातवां है उसको शायद वैज्ञानिक शब्दावली में समझना संभव नहीं है, लेकिन उसका भी हम ख्याल कर सकते हैं, बात समझ में आ सकती है। एक उदाहरण से समझें। कोई घटना घटी, किसी ने अपमानजनक शब्द कह दिया और सामने वाले व्यक्ति के भीतर एक विचार आया, क्रोध का विचार। यह विचार केवल मनस शरीर में है, वहां पर इरिटेशन पैदा हुआ है। अब यह विचार हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस को जाएगा, वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड को जाएगा, वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड से संदेश जाएगा एड्रिनल ग्लैंड पर, और वहां से एपिनेफ्रिन हार्मोन सीक्रेट होगा। अब धीरे धीरे हमारा पहले इलेक्ट्रिकल सिस्टम चालू हुआ, इलेक्ट्रिकल से फिर केमिकल्स पे आए। अब ये हार्मोन्स जब रिलीज हो गया, कहने में बहुत देर लग रही है, ये सब कुछ स्प्लिट सेकंड में हो जाएगा। मेरे कहने में तो बहुत देर लग गई, सब क्षण के भी छोटे से अंश में हो जाएगा। हार्मोन आ गया, पूरे शरीर में फैल गया, उसने हृदय की धड़कन तेज कर दी, ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, मांसपेशियों में रक्त संचार बढ़ा दिया, आंखें लाल हो गई, मुट्ठियां बिछ गई, लड़ने मरने के लिए हम तैयार हो गए। फाइट आर फ्लाइट की सिचुएशन।
या तो भागो जान बचाओ, या फिर जूझो लड़ो हमला करो। उसके लिए हम रेडी हो गए, हमारी सांस तेज चलने लगी, पूरी तैयारी हो गई, मांसपेशियां तैयार हैं। फिर फिजिकल एक्शन हुआ, वास्तव में हमने कुछ किया। इस प्रोसेस को हम खूब अच्छे से समझ सकते हैं। पहले विचार उत्पन्न हुआ, फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पैदा हुई, उन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के द्वारा फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स पैदा हुए, हार्मोन्स पैदा हुए, उन हार्मोन्स ने फिजिकल ऑर्गन्स को प्रभावित किया और तब हमारी स्थूल काया एक्शन में आई। तो जिनको पहले हम स्थूल शरीर, भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर और मनस शरीर कहते थे, उनको हम इस ढंग से भी कह सकते हैं, फिजिकल बॉडी, केमिकल बॉडी, इलेक्ट्रिकल बॉडी, मेंटल बॉडी। तो मेंटल बॉडी विचारों से है, अत्यंत सूक्ष्म। अभी तक वैज्ञानिक ऐसे उपकरण नहीं बना पाए कि विचारों को पकड़ सके, हो सकता है भविष्य में बना लें, क्योंकि है वे भी सूक्ष्म पदार्थ, अति सूक्ष्म है लेकिन है पदार्थ। इलेक्ट्रिकल वेव्स नापने की मशीनें बन गई, ईईजी बन गई, फंक्शनल एमआरआई एक नया डेवलपमेंट है, मस्तिष्क के बारे में काफी खबर मिल जाती है, कहां क्या हो रहा है। आगे आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से विचार के भी ग्राफ बन जाएंगे, बहुत सूक्ष्म है, अभी उतने अच्छे उपकरण नहीं बने लेकिन बन सकते हैं। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि हृदय का इलेक्ट्रिकल ग्राफ बन जाएगा, कि मसल्स का इलेक्ट्रिकल ग्राफ बन जाएगा, कि ब्रेन का बन जाएगा। आज से 200 साल पहले, 250 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे भीतर एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनसे इतने सूक्ष्म मात्रा में केमिकल निकल रहे हैं जो हमारी पूरी फिजिकल बॉडी को अफेक्ट कर देते हैं। एक सेकंड भी नहीं लगता और उनकी मात्रा कितनी कम है। 1 किलोग्राम का 1000वां हिस्सा होता है ग्राम, ग्राम का 1000वां हिस्सा होता है मिलीग्राम, मिलीग्राम का भी 1000वां हिस्सा, उसका भी और 1000वां हिस्सा, उतना सा एपिनेफ्रिन जिसको हम देख भी नहीं सकते, इतना सूक्ष्म, माइक्रोग्राम्स में हमारी थायराइड ग्लैंड काम करती है, माइक्रोग्राम्स, उसमें जरा सी कमी और ज्यादती हो गई, हमारी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। माइक्रोग्राम्स, साधारणतः तो ये चीजें नापने योग्य भी नहीं थी, विज्ञान ने सूक्ष्म से सूक्ष्म साधन विकसित किए, तब पता चला। तो जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, फिजिकल बॉडी का पता चला, फिर और पीछे छुपे हुए सूक्ष्म केमिकल्स, अत्यंत छोटी सी मात्रा में जो जादुई काम कर रहे हैं उनका पता चला, उनके पीछे और सूक्ष्म चीजें पता चली, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी एक्टिवेट होने के पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्स। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कभी ना कभी पता चलेगा कि कैसे विचार इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करते हैं। अभी तक ये नहीं पता कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे पैदा हो जाती हैं, क्यों पैदा हो जाती हैं। जगह मिल गई कहां से पैदा होती है, सब जो हृदय में पैदा होती है हमको पता है कि ये एक छोटा सा नोड है, पिन पॉइंट जैसा, वहां से जनरेट होती है, फिर वो हमारे हृदय को धड़काती है। वहां क्यों पैदा हो रही है, कैसे पैदा हो रही है, इट्स स्टिल मिस्टीरियस। और ब्रेन के मामले में तो बिल्कुल ही मिस्टीरियस, हजारों वेव्स लगातार चल रही है ब्रेन में, यहां से वहां, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक बड़ा जाल बिछा हुआ है। इसके पीछे और सूक्ष्म विचारों का जाल है,
मुझे आशा है आने वाले समय में उस जाल को भी समझा जा सकेगा, वो कैसे जनरेट हो रहे हैं, वो कैसे विद्युत तरंगों को पैदा करते हैं। मामला बहुत बारीक है लेकिन फिर भी विज्ञान की पकड़ के अंदर आएगा। चार के बाद जो पांचवा शरीर है, अब यहां से वास्तव में अध्यात्म की बात शुरू होती है। वह पांचवा शरीर जिसको हम कहें आत्मा या कॉन्शियसनेस, चेतना, साक्षी का सूत्र है वहां। ये सब जो हो रहा है इसको एक साक्षी जान भी रहा है। इसके पहले कि सामने वाले ने अपमानजनक शब्द कहा था और मेरे भीतर विचार पैदा हुआ और फिर बाकी सब सारी घटनाएं घटी, इस सब को जानने वाला एक साक्षी चैतन्य है जो अप्रभावित है। वो सिर्फ जानता है, जब क्रोध पैदा नहीं हुआ था तब भी वो था, जब क्रोध आ गया तब भी वो है, जब क्रोध विदा हो गया तब भी वो है। उसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, वो कभी प्रभावित नहीं होता, वहां हमेशा शांति बनी हुई है। वह साक्षी चेतन, उसको पांचवा शरीर कहा है, आत्म शरीर कहा है। साधारण भाषा में हम उसको चेतना कह सकते हैं। मॉडर्न फिजिसिस्ट कॉन्शियसनेस के ऊपर भी विचार करने लगे हैं। पहले कॉन्शियसनेस साइंस के फील्ड में नहीं आता था, वो केवल मैटर की ही बात करते थे, लेकिन अब विशेषकर पिछले 90 सालों में क्वांटम फिजिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बाद एक बात समझ में आने लगी कि कॉन्शियसनेस का इन्वॉल्वमेंट है मैटर में भी। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी जरूर चेतना जैसी कोई चीज है। अभी स्पष्ट नहीं है वो क्या है कैसी है, लेकिन कुछ है क्योंकि वह इंटरैक्ट करती है। जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है किसी उपकरण के द्वारा या इंसान के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा या मशीन के द्वारा, जैसे ही ऑब्जर्व किया जाता है उसका व्यवहार बदल जाता है। वह व्यवहार अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज ए प्रूफ ऑफ कॉन्शियसनेस। मैटर इज वेरी मच प्रेडिक्टेबल। हम एक कुर्सी को यहां रख गए हैं और एक घंटे बाद आएंगे हम तो हमको कुर्सी वही मिलेगी, और एक छोटे बच्चे को हम बैठा गए हैं और एक घंटे बाद आएंगे तो पक्का है छोटा बच्चा वहां नहीं मिलेगा। अब केवल प्रोबेबिलिटी है कि यहां हो सकता है वहां हो सकता है, सर्टेनिटी नहीं हो सकती। छोटा बच्चा एक जीवित प्राणी है, उसका अपना मूड है, कहो वहीं बैठा रहे या कमरे में कहीं भी हो, कमरे के बाहर भी हो, कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी याद आ गई। नसरुद्दीन एक नए शहर में गया है, वहां किसी को पहचानता नहीं है, भूख लगी थी, एक हलवाई की दुकान पर गया, कुछ मिठाई और नमकीन लेके उसने वहां से खाया, 500 रुपए का नोट दिया। हलवाई के पास खुले पैसे नहीं थे वापस करने को, 50 रुपए वापस लेने थे। उसने कहा कि आप बाद में ले जाइए, थोड़ी देर बाद ले जाइए, कल ले जाइए, फिर यहां से बोझ रहे जब। नसरुद्दीन का ठीक, लेकिन कोई जान पहचान तो है नहीं, तो कुछ उसने सोचा कि पहचान का चिन्ह, उसने आसपास देखा एक भैंस वहां बैठी हुई थी सड़क पर। उसने कहा ठीक, जिस दुकान के सामने भैंस बैठी है उससे 50 रुपए लेने। दूसरे दिन नसरुद्दीन खोजता हुआ आया भैंस कहां है। आज भैंस संयोग से नाई की दुकान के आगे बैठी हुई थी। नसरुद्दीन ने जाकर उससे कहा कि वाह,
50 रुपए दो। उस नाई ने कहा कहां के 50 रुपए, घर दो गई, हमको धोखा ना दे सको बजने भी जान के, हम माना की परदेसी वगैरह बहुत होशियार है, हमने पक्की पहचान बना ली थी। उसने कहा कैसी बात करते हो, कहां के 50 रुपए, कल के जब मैंने तुमसे नमकीन मिठाई लेके खाई थी उसके 50 रुपए। उसने कहा भाई मेरी नाई की दुकान है, यहाँ कहाँ की नमकीन मिठाई। उसने कहा हद हो गई, तुमने 50 रुपए के पीछे अपनी जाति बदल ली, धंधा बदल लिया, व्यापार बदल लिया 50 रुपए के पीछे। हम सब हंसेंगे नसरुद्दीन पर, क्योंकि भैंस अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यादा से ज्यादा हम प्रोबेबिलिटी में बात कर सकते हैं, संभावना में, कि शायद उसी दुकान के सामने बैठी मिले, शायद ना मिले, पक्का नहीं कह सकते, गारंटी नहीं हो सकती, क्योंकि भैंस में चेतना है, वह जीवित है। हाँ, बिजली के खंभे से पहचान लगाता नसरुद्दीन, किसी इमारत से लगाता तो ज्यादा सटीक होता। जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अध्ययन होने लगा तब धीरे धीरे पता चला कि हमारी पुरानी धारणाएं मैटर के बारे में कि सब चीजें सर्टेन है, फिक्स्ड है, प्रेडिक्टेबल है, नहीं, वैसा नहीं है। एक नया सिद्धांत गढ़ा गया जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। बड़ी मजेदार बात हो गई, प्रिंसिपल का मतलब ही होता था सर्टेनिटी, एक सुनिश्चित बात, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का नियम। बड़ा पैराडॉक्सिकल बात हो गई, लेकिन क्या करो, ऐसा ही है। अभी पिछले 10 साल पहले एक नया नियम आया, द लॉ ऑफ केओस। लॉ का मतलब ये होता है कि सब चीजें वेल सेटल्ड, प्रिंसिपल्ड, डिसिप्लिन्ड नियम से, और केओस अराजकता, अराजकता का नियम। पिछले बरस जिनको नोबेल प्राइज मिली है फिजिक्स के क्षेत्र में, उन्होंने जो विचित्र बात खोजी है वो ये खोजी है कि पूरे अस्तित्व में हम जिसको समझते थे डिस्टेंस और चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, वो सब आपस में संयुक्त हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा हूं, इसको एंटेंगल्ड पार्टिकल्स कहते हैं। अगर वो 10 खरब मील दूर भी कर दिया जाए उनको, और यहां एक पार्टिकल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए, वहां 10 खरब मील दूसरा पार्टिकल उस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा बैलेंस करने के लिए। अब यहां से वहां वो एक्शन कैसे हुआ, और तुरंत हुआ, इसमें देर नहीं लगी। आइंस्टीन के हिसाब से यहां से वहां कोई इंफॉर्मेशन पहुंचने में भी मैक्सिमम स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से कुछ देर लगेगी इंफॉर्मेशन पहुंचने में। आइंस्टीन के जमाने में भी यह वाली बात थ्योरेटिकल आ गई थी, लेकिन आइंस्टीन ने खुद इसकी खूब मजाक उड़ाई। उसने कहा इसको स्पूकी एक्शन, कोई भूत प्रेत काम कर रहे क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। आइंस्टीन जैसा प्रतिभाशाली आदमी भी इसको ग्रेस्प नहीं कर पाया कि हो ही नहीं सकता, यहां से वहां इंफॉर्मेशन जाने में कुछ वक्त लगेगा। इमीडिएट कैसे हो सकता है, लेकिन भली भांति सिद्ध हो गया वो इमीडिएट होता है। कहने को वो 10 खरब मील दूर थे, सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर थे, लेकिन एक्शन इमीडिएट होगा। किसी और तल पे सब चीजें जुड़ी हुई हैं, संयुक्त हैं। यूनिवर्स इज यूनाइटेड, अलग 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 ऊपर से दिख रही थी सब चीजें, भीतर से कहीं एक गहरा तालमेल और जोड़ है। संक्षेप में
ये जो नोबेल प्राइज विनर की बात है, साधारण भाषा में अगर हम कहें तो आप समझिए लोकलिटी हैज नो रियलिटी, संक्षेप में हम जो सोच रहे थे लोकल, ये चीज स्थानीय, यहाँ की है वो वहां की है, वो वहां है वो वहां है, लोकल, देयर इज नथिंग लाइक लोकल, सब जुड़ा हुआ है, तो लोकल कैसे हो सकता है? बड़ी गहरी सूक्ष्म बात खोजी, पूरा ब्रह्मांड एक है, अलग अलग नहीं है। निश्चित रूप से हम अपनी इंद्रियों से जो जानते हैं उसमें तो सब चीजें अलग अलग हैं, लेकिन सूक्ष्म तल पे पहुंच के वो भी अलग अलग नहीं है। तो धीरे धीरे आधुनिक विज्ञान उस दिशा में जा रहा है जहां कॉन्शियसनेस की बात आ गई। विज्ञान के साधारण नियम 20वीं सदी के शुरुआत तक में खोजे गए थे, उनके विपरीत बातें खोजी जाने लगी। हम लोगों ने स्कूल कॉलेज में जो पढ़ा है, याद रखिएगा, वो बहुत आउट ऑफ डेट हो चुका है, और नई चीजों को ग्रेस्प करना हमारी बुद्धि के भी परे है, क्योंकि हमारा मन जिन तर्कों पर आधारित है, आधुनिक खोजे गए तथ्य उन तर्कों पर फिट नहीं बैठते। लेकिन बड़ी मुश्किल है, ऐसा है तो है, स्वीकार करना ही पड़ेगा। कॉन्शियसनेस, चेतना पदार्थ में भी मौजूद है, ऊपर ऊपर से नहीं लग रहा था, हम समझ रहे थे डेड स्टोन तो जड़ पत्थर है, इसमें कहां चेतना, लेकिन उसके सूक्ष्म और सूक्ष्म परमाणु में जब पहुंचे और परमाणु के भी और सूक्ष्म गए तो पाया वहां तो बहुत चेतना है। हमारी समझ से परे, लेकिन ऐसा पाया गया फिजिसिस्ट के द्वारा। अभी कॉन्शियसनेस को एक नया शब्द उन्होंने दिया है, द कोर प्रॉब्लम ऑफ, द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। हार्ड प्रॉब्लम, दूसरे प्रॉब्लम तो सॉल्व करना सरल लग रहा था, हार्ड प्रॉब्लम निकला, शायद देर लगे, बहुत देर लगे, लेकिन कभी ना कभी यह स्वीकार करना ही होगा कि कॉन्शियसनेस है। विज्ञान का पता लगाएगा हमें पता नहीं, लेकिन हमको अपने भीतर भली भांति पता है कि चेतना है, शरीर की क्रियाओं की साक्षी, विचारों की, भावनाओं की, सबकी साक्षी, ऊपर ऊपर सब चीजें होती रहती हैं, भीतर भीतर एक जानने वाला तत्व है, बिल्कुल अप्रभावित, उसको कभी कुछ नहीं होता। जब और गहराई में जाते हैं आत्मा की, आत्मा में सेल्फ का पता चल रहा था कि मैं हूं, मेरा होना, माई ऑथेंटिक बीइंग, अब और गहरे में जाते हैं वहां पता चलता है कि मैं भी नहीं हूं, ब्रह्म ही है। अब यहां पे आप लागू करना लोकलिटी इज नॉट रियलिटी, वो जो मैं समझ रहा था मैं अलग हूं, आप अलग हैं, फला व्यक्ति अलग है, ढका व्यक्ति अलग है, ठीक है, ऊपर ऊपर से सब अलग अलग लग रहे थे, और जब हम भीतर गए वहां भी हमको पहले यही लगा कि मेरी चेतना, मेरी आत्मा, मेरा वास्तविक स्वरूप। जब और गहराई में गए तब पता चला स्वरूप वगैरह कुछ नहीं है, स्वा ही नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा देयर इज नो सेल्फ, अनत्ता। आत्मा की गहराई में जाके पता चला कि आत्मा भी नहीं है। ये ऐसा ही हुआ जैसे हमने अपने घर में एक गड्ढा खोदा था, कुआं बन गया, उसमें पानी आ गया, मैं उसको कहता था मेरा कुआं, मेरे कुएं का पानी, मेरे पड़ोसी के घर में पड़ोसी का कुआं था, पड़ोसी के कुएं का पानी था, और पूरे गांव में हजारों कुएं हैं, सब लोग अपना अपने कुएं को अपना कुआं कहते हैं, अपने कुएं का पानी कहते हैं, ठीक है काम चलाओ। लेकिन हम और गहरे में जाएं कि मेरे कुएं का पानी कहां से आया,
तब हम उन सोर्स पर पहुंच जाते हैं जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल से जुड़े हुए हैं, और फिर वहां पे ये नहीं कह सकते कि मेरा अंडरग्राउंड वाटर टेबल मेरे तेरे का, वहां कोई सवाल नहीं। वो तो गांव के सारे कुओं में एक ही भूमिगत जल भंडार है, वहां कैसा डिवीजन? वो गांव में ही क्यों, पूरी जमीन के नीचे भूमिगत जल भंडार है, वो किसी का नहीं है। इराक की और दूसरे अरब देशों की लड़ाई होती थी ना पेट्रोल के ऊपर, अमेरिका चाहता है दूसरे देशों से सस्ते में खरीद ले, इराक तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन सवाल यह है कि दूसरे देश जो सस्ते में बेचेंगे तो उनकी ज्यादा पेट्रोल की खपत होगी, वो ज्यादा बेच पाएंगे, लेकिन वो अंडरग्राउंड जो टेबल है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का वो तो एक ही है। हमने ऊपर ऊपर से देशों की रेखाएं खींची नक्शे में कि ये फलाना देश है ढकाना देश, तो ये तो एक प्रकार की चोरी है। कुवैत वाले ज्यादा पेट्रोल निकाल लेंगे और अमेरिका को बेच देंगे सस्ते रेट में, इराक के नीचे का भंडार भी तो खाली हो रहा है, तो सरासर चोरी है। और अमेरिका वालों ने बहुत नाइंसाफी की, जोर जबरदस्ती करके जबरदस्ती इराक को बर्बाद कर दिया, पेट्रोल का रेट गिराने तैयार नहीं थे। इसलिए दादागिरी, रंगदारी, हम कहते जरूर है कि दुनिया में प्रजातंत्र आ गया, प्रजातंत्र है नहीं, क्योंकि अरब के देशों का जो समुदाय था, संगठन था, और उनके जो नियम थे कि कौन कितना पेट्रोल निकालेगा और किस रेट में बेचेगा, अगर प्रजातंत्र है तो उनको उनकी स्वतंत्रता पे छोड़ा जाए, वापस में मिलके तय करें, बाहर से दूसरे लोग कैसे तय कर सकते हैं किसको क्या करना चाहिए। तानाशाही अभी भी ज्यों की ज्यों बरकरार है। तो चाहे पानी का भंडार हो, चाहे तेल का भंडार हो, याद रखना वो मेरा तेरा नहीं है। ठीक ऐसे ही पहले हमने जिस चेतना को समझा कि मेरी आत्मा, उसमें सेल्फ की एक फीलिंग जुड़ी हुई थी, फिर और गहरे में गए तो पता चला अरे तो परमात्मा है, ब्रह्म है। मैं और तू का सवाल ही नहीं है, वहां तो एक अखंड असीम विराट, उसको कोई लेवल नहीं लगा सकते किसका, वो बस है। गॉड इज डिफाइंड एज इजनेस। आत्मा को हम कहते हैं हूं, एमनेस। गॉड इज इजनेस, जो है उसका नाम प्रभु, वह ब्रह्म, वह मैं भाव ही गया। जब बुद्ध कहते हैं अनात्मा, इसका यह मतलब नहीं है कि वो नास्तिक हैं और आत्मा को इनकार कर रहे हैं, वो थोड़ी और गहराई की बात कर रहे हैं। परमात्मा सच पूछो तो उसके भी आगे की बात कर रहे हैं, अगर उस नाद ब्रह्म में और गहरे डूबो तो फिर ओंकार भी शून्य हो जाता है, महाशून्य में पहुंच जाते हैं जहां परमात्मा भी नहीं है। नथिंगनेस, प्योर नथिंगनेस, इनको हम क्रमशः आत्म शरीर, ब्रह्मकाया और निर्वाण काया कह सकते हैं। तो ये सात परतें हैं, भीतर है महाशून्य, उसका वस्त्र एक ऊपर एक
ठंड के दिनों में पहनते ना बहुत सारे कपड़े ऊपर एक कई लेयर, ऐसा ही हमने पहना हुआ है, भीतर कुछ भी नहीं है। प्याज के उदाहरण से समझ लीजिए, खूब सारी परतें हैं प्याज की, लेकिन अगर आप छिलते जाएं कि कहां है प्याज, तो अंत में आप पाएंगे सारी परतें निकल गई। क्या प्याज आपके हाथ में आया? कुछ भी नहीं है, एम्प्टीनेस, प्योर नथिंगनेस। अब इसको समझकर आप समझिए गुरु सत्ता, हम जिसको सदगुरु कहते हैं, वह व्यक्ति वैसा है जिसने अपने भीतर उस महाशून्य को जान लिया, उसके ऊपर की परत परमात्मा को, ब्रह्म के नाथ को जाना, उसके और ऊपर की परत साक्षी चैतन्य को जाना, और उसके बाहर की जो परतें हैं क्रमशः स्थूल बाहर की तरफ चले आ रहे हैं उनको जाना। क्या वह महाशून्य अलग अलग सदगुरुओं का अलग अलग होगा? सोचो, जो अज्ञानी है उनके लिए सब गुरु अलग अलग हैं, लेकिन गुरु स्वयं को जैसा जान रहा है, स्वयं से भी परे, वह तो एक ही है। एक कहना भी एक्चुअल गलत है, वहां तो कोई नहीं है। अलग अलग कैसे होंगे? निश्चित रूप से सदगुरुओं की देह अलग होगी, उनके नाप नक्श अलग होंगे, उनके बोलने बताने का ढंग अलग होगा, उनके एक्सप्रेशन अलग होंगे, उनकी भाषा अलग होगी। लेकिन याद रखना, भाषा कहां से आ रही है? कोई आत्मा से नहीं आ रही है भाषा। हम जिस परिवार में पैदा हुए तो वहां हमने सीखी, स्कूल कॉलेज में सीखी, भाषा तो यहां से आई, कोई आत्मा से थोड़ी आ रही है। हमारा मन हमारे संस्कारों से बना, इस जन्म के पिछले जन्म के। अब हो सकता है एक सदगुरु परंपरावादी हो, रूढ़िवादी हो, दूसरा सदगुरु क्रांतिकारी हो, विद्रोही किस्म का हो, इनकी बातें बिल्कुल अलग अलग होंगी। क्योंकि जिस मन का वे उपयोग कर रहे हैं वह मन तो पिछले करोड़ों साल में जन्मों जन्मों की यात्रा में बना, जिस कंठ से बोल रहे हैं यह भौतिक काया माता पिता से मिलकर बनी है, इसकी रचना, इसकी आकृति, इसकी आवाज माता पिता से आई, फिजिकल है। मन आया है हमारे ही पिछले जन्मों से, और ये भौतिक काया आई है इस जन्म के माता पिता से, और इन सबके भीतर विराजमान है शाश्वत सनातन, वो कहीं से ना आया ना कहीं से गया। तो मोटे मोटे तल पर हम तीन चीजों का क्रॉस रोड है, मोटे मोटे अगर साथ में हम विभाजित ना भी करें तीन में समझ लें। एक जो माता पिता से आया, माता पिता को उनके माता पिता से आया, ये पूर्वजों की श्रृंखला से आ रहा है, लाखों करोड़ों साल में पशुओं से विकसित होते होते बंदर और चिंपैंजी और फिर मनुष्य, और श्रृंखला आगे बढ़ती गई आज हम लोग मौजूद हैं उस श्रृंखला में। इसमें जो कुछ भी है करोड़ों साल के एवोल्यूशन से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। ये शरीर एक लंबी सीरीज का अभी फाइनल प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो मन है वो पिछले जन्मों के विभिन्न अनुभवों से गुजरता हुआ, वो भी करोड़ों करोड़ों साल में, वो भी जानवरों से लेके मनुष्य होने तक, और फिर उसके बाद आज तक जो कुछ भी हुआ है उस सब के इंपैक्ट्स उस पे पड़े हैं, उसके रिएक्शंस उसमें है, उसके संस्कार और कंडीशनिंग उसकी हो गई है, वो वाला मन है। शरीर माता पिता से आया, वो सूक्ष्म शरीर या मन जिसको कहते हैं,
एस्ट्रल वो आके फिट हो गया इस फिजिकल बॉडी में, इसके थ्रू वो फंक्शन करने लगा। याद रखना उसकी फंक्शनिंग कहां से प्रभावित होगी, उसके अपने पिछले श्रृंखला से। एक माता पिता के हो सकता है, चार बच्चे हो, इनकी शक्ल सूरत इनका डीएनए वो सब आपस में मैच करेंगे, लंबाई चौड़ाई जेनेटिक डिसीज वो सब मैच करेगी, लेकिन मन इनके बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। एक हो सकता है बहुत सीधा सरल साधु चित्त व्यक्ति हो, दूसरा हो सकता है कुटिल चालाक राजनेता हो, तीसरा हो सकता है बहुत टैलेंटेड संगीतकार हो, और चौथा हो सकता है कुछ भी ना हो, नथिंग स्पेशल। शरीर तो सबके एक से थे, इस जन्म के संस्कार भी एक से थे, इनकी पढ़ाई लिखाई भी एक ही स्कूल में हुई, उन्हीं टीचर्स ने इनको पढ़ाया लिखाया, फिर इतने डिफरेंट कैसे हो गए? नहीं, वो अपनी प्रतिभा पीछे से लेके आए थे। प्रकट इस शरीर के माध्यम से हुई। तो एक मनुष्य का होना एक बड़ी जटिल बात है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मोटे मोटे स्तर पर तीन डायमेंशन, और सूक्ष्म करें तो कम से कम सात में समझना आसान होगा। उन सब का मिलन, उससे एक नया संयोग बनता है, और इसलिए हर व्यक्ति अनूठा और अद्वितीय और बेजोड़ है। उस जैसा व्यक्ति कभी नहीं हुआ और ना कभी भविष्य में होगा। जिस व्यक्ति को अपने भीतर ज्ञान घटित हो गया, उसने अपने सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर अस्तित्व को पहचाना, और अंततः वह नथिंगनेस में, शून्य में पहुंच गया, जहां कुछ भी नहीं है। एक प्रकार से कह लो वह मिट गया, अब वो है ही नहीं। ऊपर ऊपर से दिखाई भर देता है, भीतर भीतर से वो समझो है ही नहीं। और इसलिए जब ऊपर से शरीर की मृत्यु हो जाएगी, उसके भीतर का ब्रह्म समस्त ब्रह्म के साथ एक है, ऐसा उसने जीते जी भी जान लिया था। लेकिन हम उसको ऊपर ऊपर से देखते थे, उसके रंग रूप आकृति को, वो तो भीतर से जानता था कि मैं अलग नहीं हूं। लेकिन जब ऊपर की देह काया गिर गई, भौतिक काया नष्ट हो गई, अब तो पूरी तरह ब्रह्म के संग एक हो गया। तो आपने पूछा है कि गुरु सत्ता क्या अलग अलग होती है? सच पूछो तो गुरु सत्ता इस महाशून्यता का नाम है, ब्रह्म का नाम है। महर्षि पतंजलि ने इसको योग शास्त्र में बहुत अच्छे ढंग से समझाया है कि जब कोई सदगुरु देह त्याग देता है तो वह ईश्वर के संग अर्थात ओंकार के संग एक हो जाता है, वह ओंकार स्वरूप हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति से जुड़ने के लिए ओंकार की साधना करनी चाहिए, ये पतंजलि का योग सूत्र है। मैंने जो बात आपको समझाई, इसकी भूमिका मन में ख्याल रखते हुए आपसे निवेदन करूंगा, ओशो का 15वां प्रवचन योगादि अल्फा एंड ओमेगा का पढ़िए, पतंजलि योग सूत्र उसका हिंदी अनुवाद है, 15वां प्रवचन। अगर आप अंग्रेजी में जाएंगे तो उसमें 10-10 प्रवचन के एक एक वॉल्यूम प्रकाशित हुए थे, 100 प्रवचन के 10 वॉल्यूम है। उसमें वॉल्यूम 2 का 5th डिस्कोर्स, इसको आप खूब अच्छे से सुनिए। सदगुरु का होना क्या है? और सदगुरु के विदा होने के बाद वह कहां और क्या होता है, और शिष्यों के लिए उससे जुड़ने का मार्ग क्या है? ओंकार में डुबकी, जो वो हो गया है वही हम भी हो जाएं। वहां तक पहुंचने का रास्ता
यानी साक्षी चेतन, फिर नाद ब्रह्म और फिर महाशून्य, पांचवा छठवा सातवा, जिनको जाकर पाई है प्रवचन माला में ओशो ने इनको नाम दिया है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, निर्वाण ज्ञान। तो आध्यात्मिक ज्ञान को हम तीन स्टेप्स में बांट सकते हैं समझने के लिए, एक सेल्फ रियलाइजेशन, एक कॉस्मिक रियलाइजेशन गॉड रियलाइजेशन, और तीसरा द जीरो एक्सपीरियंस निर्वाण दीपक का बुझ जाना।